हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच आज होने वाली पीएम मोदी की बैठक रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री परिषद का इसी हफ्ते विस्तार कर सकते हैं। भाजपा के शीर्ष स्तर पर इसकी कवायद जारी है। विस्तार में लगभग 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। पहले से ही अतिरिक्त प्रभार और इससे ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे कई मंत्रियों का बोझ भी कम किया जा सकता है। फेरबदल में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हालांकि इस बीच पीएम मोदी के आवास पर बुलाई गई शीर्ष मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है। ये बैठक आज होनी थी। इस मीटिंग में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य शीर्ष मंत्री शामिल होने वाले थे। ये अब बैठक किस दिन होगी इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई या उसके बाद के 2-3 दिनों के भीतर कभी भी मंत्री परिषद विस्तार का फैसला लिया जा सकता है। विस्तार में सहयोगी दलों को शामिल कर एनडीए को मजबूत करने की कवायद की जाएगी। जदयू को भी इस बार केंद्रीय मंत्रालय का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा अनाद्रोमिक और अपना दल को भी मौका मिल सकता है। क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए दूर दराज के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि जब मोदी सरकार बनी थी तो कुल 57 मंत्री बनाए गए थे। इनमें 24 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्री शामिल थे। हालांकि इनमें से कई मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय हैं। शिवसेना एवं अकाली दल के अलग अलग होने और रामविलास पासवान के निधन के बाद कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 21 रह गई है। एक राज्य मंत्री का भी निधन हुआ। इस प्रकार अभी कुल 53 मंत्री ही हैं, जबकि संविधान के अनुसार मंत्रियों की संख्या 79 तक हो सकती है। बीते एक साल से कोरोना के चलते मंत्रिमंडल विस्तार की स्थितियां नहीं बन पाई थी, लेकिन अब टीम को बढ़ाने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो जिन लोगों को मंत्री परिषद के भावी फेरबदल और विस्तार में शामिल किया जा सकता है, उनमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बैजयंत पांडा, राकेश सिन्हा, नारायण राणे, हीना गावित, संध्या राय, सुनीता दुग्गल, जेडीयू नेता आरसीपी सिंह, ललन सिंह व संतोष कुमार आदि के नाम मुख्य रूप से चर्चा में हैं। मोदी सरकार में अभी भाजपा के सहयोगी दलों से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के रामदास आठवले अकेले राज्य मंत्री हैं। ऐसे में कुछ और सहयोगी दलों को भी विस्तार में जगह दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस महीने के आखिर या अगले महीने की शुरुआत में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार संभव है। इसमें जदयू, अनाद्रुमक, अपना दल और लोजपा के नए धड़े को भी मंत्री पद मिल सकता है। जागरूक टीवी की नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।